अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जी मैं आपको दोस्त मोहम्मद रिजवान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल डेली फ्रैक्स ट्रेडिंग। अच्छा, आज की जो डेट है, सबसे पहले डेट की बात करेंगे 10 जनवरी, ठीक है, 10 जनवरी 2024, ठीक है। और आज अगर न्यूज़ की बात की जाए फंडामेंटल की, तो कोई ऐसा हाई इम्पैक्ट या न्यूज़ नहीं है। मीडियम इम्पैक्ट ज़रूर है, लेकिन उसका कोई खास इम्पैक्ट नहीं है अगर टेक्निकली मार्केट मूव करेगी। सबसे पहले बात कर लेंगे यूरो यूएसडी की, ठीक है, जल्दी जल्दी वीडियो है, टू द पॉइंट बात करेंगे। अच्छा, इसका मैंने आप लोगों को बताया था कि लेवल टू लेवल बात, लेकिन लेवल नहीं चल रहा। लेकिन H1 के ऊपर अगर बात करें, तो H1 के ऊपर मैंने आप लोगों को ऑलरेडी कह चुका हूँ कि ये जो लेवल है, एक ये वाला और एक ऊपर वाला, इस लेवल से सेलिंग करें आप लोग। और ये जो लेवल है ये वाला, ठीक है, और इसके नीचे ये वाला एक लेवल है, इन लेवल के ऊपर आप लोगों ने बाइंग करनी है, ठीक है। यहाँ से बाइंग और यहाँ से सेलिंग। नेक्स्ट चलते हैं जी। तो उसके बाद GBP USD की बात कर लेते हैं। GBP USD का, इसका भी वेट किया जाए लेवल, पहले Day 1 देख लेते हैं इसका। Day 1 में सेल है तो कोशिश करें इसकी ना सेल एंट्री की जाए, ठीक है। यहीं से अगर कोई डायरेक्ट सेल करना चाहे, इसके ऊपर अपना रखना है SL और नीचे TP, ठीक। एक बात ये हो गई। दूसरी बात, H1 के ऊपर चले जाते हैं ताकि हम लेवल देख लें। अच्छा, H1 की बात की तो सेलिंग के लिए ये बेस्ट लेवल है, ये मैं तो आप लोगों को बताता रहता हूँ, ये देखें ये, और बाइंग के लिए ये वाला, ठीक है। ये चीज़ें आप लोग लगा लिया करें ताकि आप लोगों का फ़ायदा हो सके। नेक्स्ट मूव करते हैं, या फिर इसके ऊपर ना पेंडिंग ऑर्डर लगा लिया करें। सबसे अब बात कर लेंगे USDJPY की। USDJPY इसको यहीं से, ये H1 के हिसाब से तो इसको यहीं से सेल पकड़े हुए, ट्रेंड बाय के मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग हो चुकी है, बाइंग ट्रेंड बना हुआ है इसका। और यहाँ से भी सेल करना चाहते, यहाँ पे अपना रखे SL और इसको करे सेल TP यहाँ पे, ठीक होगी बात। वैसे बनती है क्योंकि लेवल भी है सेल का, अगर इसका चार्ट एक ये वाला लेवल भी यहाँ से भी की जा सकती है, ठीक है। अगर डेली में बात कर तो ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूँ लेवल, और बाइंग H1 ये डेली चार्ट, ये देखना डेली चार्ट, डेली में कैसा बाइंग बना हुआ ना ये वाला। लेकिन ये जो लेवल है एक ये वाला 146 पॉइंट समथिंग का है ये, ठीक है ना। यहाँ से सेलिंग आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। अभी के लिए ज़रा अवॉइड करें सेलिंग से, कोई लेवल नहीं है ये वाला। इसको देखा जाए तो कुछ ना कुछ है रिट्रेसमेंट का, लेकिन वो भी जिस तरह ये कैंडल बन रही है उससे तब बाइंग मज़ीद चली जाए ऊपर, ठीक है। तो एहतियात से सेल करें तो अपना स्टॉप लॉस के साथ। नेक्स्ट चलते हैं जी। तो इसके बाद अब हम बात करेंगे डॉलर की नहीं, गोल्ड की, ठीक है। ये लें जनाब, गोल्ड का चार्ट ओपन किया है, सेल ट्रेंड बना हुआ है इसका, मैं ऑलरेडी कह चुका हूँ आप लोगों को। मेरा फोकस भी सेलिंग के ऊपर होता है। 2038, 2039, 2049 ये सारे सेल एरियाज थे, कल जिन्होंने की हैं वो ज़बरदस्त रहे हैं, ठीक है। कल मैं आप लोगों को 2036 से भी सेल कराता रहा हूँ, ठीक है। आज भी जो सेलिंग के हिसाब से ना 2036 से लेके 2040 तक सेलिंग एरियाज, यहाँ से सेल करें आप लोग, खुल के सेल करें, छोटे लोट के साथ सेल करें, और SL 45, ठीक है। और बाइंग के हिसाब से 2024-25 ये वाला एरिया, स्कैल्पिंग के हिसाब से बाइंग, और इससे अगर बेस्ट बाइंग अगर आप लोगों ने देखनी है तो जो एरिया ना 2020 से लेके 2017 तक बाइंग करें SL 2020 से बाइंग करें, SL 2017 लगा लें, ठीक है। अगर ये सेटअप फेल हो जाए तो फिर नीचे 2010 से इंशाल्लाह हम, या 2014 से 2010 से बाइंग करेंगे 2007 के SL के साथ, ठीक है। ये तो होगी गोल्ड की बात। डेली का अगर चार्ट कर इसमें सेलिंग बना हुआ है, ये अगर ये देखें H4 में भी आप लोगों को सेलिंग नज़र आ रही होगी। और अगर डेली चार्ट की बात करें तो इसमें भी सेलिंग है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं जी। तो गोल्ड के बाद डॉलर को देखेंगे, ठीक है। DXY में बाइंग नज़र आ रही है आज भी, इसको यहाँ से उम्मीद है कि ये ऊपर जो बाइंग यहाँ से निकल जाएगा इंशाल्लाह 104 के आसपास ना, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं जी। तो DXY के बाद US ऑयल की बात कर लेते हैं। तो आ जाएं US ऑयल वाले भी आ जाएं। कल मैंने क्या आप लोगों को यहाँ से सेल नहीं करवाई इस लेवल से, जरा H1 का चार्ट ओपन करें ना, ये H1 है। क्या आप लोगों को कल इसी कैंडल से बाय नहीं करवाई, आओ ना ज़रा ब्रॉडकास्ट पे। तो ये क्या था, ये 70.300 से बाइंग ऑलमोस्ट, और 72.600 पे 130 पिप की ये ट्रेड आप लोगों को कल नहीं दी गई।
आज के लिए यही है कि इस सेटअप का वेट करें। अगर इस सेटअप के करीब करीब जाती है ना, इस एरिया के करीब करीब इस लेवल के और इस थोड़ा सा ऊपर भी, तो बाइंग कीजिएगा, सेलिंग कीजिएगा। अगर तो लेवल अच्छा खासा ब्रेक हो जाए, ऐसा लेट कर दे, दोबारा रीटेस्ट के ऊपर आप लोगों ने बाइंग करनी है, ठीक है। अल्लाह ख्याल करेगा। बाकी नेक्स्ट चलते हैं जी। तो BTC आ जाओ, बिटकॉइन के ऊपर आ जाओ। बिटकॉइन ने टॉप लगा लिया अपना, इसने 47 भी लगा ली है, लेकिन अब दोबारा अगर 43-42 के ऊपर आए तो इंशाल्लाह बाइंग देखेंगे। बाकी वैसे ट्रेंड इसका बाई है, ठीक है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा।